अच्छा, बिहार में जन स्वराज की क्या भूमिका रहेगी? धीरे धीरे कम समय में जिस तरह से जन स्वराज ग्रो कर रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक्सपेंशन ग्रो बहुत वी आर ऑल्सो वर्किंग, टीम इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर के। और कम समय में रह करके इस तरह से झंडा गाड़ देना, ये तो स्ट्रैटेजी मेकर ही हैं प्रशांत किशोर सर, वही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके साथ साथ हम जो उनके साथ जो समर्थन है, हम लोग जो समर्थन देते हैं करते हैं, उनको भी बहुत मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि एक हाथ से अगर 10 हाथ जुड़े तो 10 हाथ से 20 हाथ और अनगिनतों हाथ जुड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा सर के साथ हमेशा आगे रहूँगी और जन स्वराज के साथ हमेशा आगे रहूँगी। इनका भूमिका क्या रहेगा बिहार में? मेन तो भूमिका जन स्वराज का, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं फिलहाल कम समय में जितना हो सकता है बहुत ही अच्छा है। और मेन भूमिकाएं वगैरह जो भी आम समस्या हैं, लोगों के दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं खुद पंचायत स्तर से जिला परिषद हूँ और पंचायत की चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ। और धरातल की चीज़ें, जब तक आप धरातल की चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं तो शायद बड़ी पैमाने पर ठीक करना भी बहुत मुश्किल है। तो इफ़ द रूट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट गेट अ गुड ट्री। तो यही है कि हमें रूट को स्ट्रॉन्ग करना है, और जन स्वराज इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसके लिए। आरजेडी कहती है कि जिसे जन स्वराज बीजेपी का ही मतलब एक अंग है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं सुनने में आया है, मे भी हो सकता है, मगर जन स्वराज है, अदर पार्टी है, इस पर तो मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगी। इसमें जन जन के लिए क्या मतलब कुछ विशेष, जन जन के लिए क्या विशेष है जो जन स्वराज पार्टी है उसके लिए? देखिए, जन जन के लिए मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जन स्वराज जिस तरह से आगे आ रहे हैं, एक अच्छी चीज़ों को लेकर के, धरातल की प्रॉब्लमों को जो भी हैं, प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से, जन जन से जुड़ रहे हैं। हम सभी भी जो है कि धरातल की चीज़ें, दिक्कत समस्याएँ जानते हैं, तो उस चीज़ को वो अब जो बिहार पहले रहा अब वो ना रहे, वो एक छोटी सी प्रेरणा जिस के रूप में वो आगे आ रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा जो है कि जनताओं के बीच में, क्योंकि हम लोग भी रहते हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा जोड़ अगर हम उनमें जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी। बिहार में जैसे अपराध अभी बढ़ रहे हैं और नीतीश बाबू जो शोषण का सरकार था, अभी फिर अपराध जिसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या जन स्वराज की भूमिका रहेगी? अपराध बढ़ रहे हैं चाहे घट रहे हैं चाहे जो भी है, अगर इनके इसके पार्टी से आने से अगर वो चीज़ ख़त्म हो रहा है या हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि देखिए, अपराध जितना हो सका बिहार में, चाहे माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, बहुत सारी अपराधिक घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जितनी क्वालिटी होनी चाहिए वो उस तरह का नहीं हो पाया है। बिहार हमेशा ही कहा जाता है कि एक पिछड़ा जो है कि वर्ग रहा है, पिछड़ा बिहार रहा है, अब वो चीज़ नहीं बोलना है, वो चीज़ नहीं कहना है, और इनके प्रयास से अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो इट इज़ वेरी गुड टू गेट द एप्रिसिएशन ऑन द स्टेज। ये चीज़ें हैं। अच्छा, नई पार्टी है जन स्वराज है, इसमें लोगों के लिए क्या मतलब मिलेगा, जैसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे जो जुड़ेंगे? बिल्कुल, मैं तो लोगों को यही भी संदेश दूंगी कि लोग जो है कि अच्छे से अच्छे लोग, जिस वर्ग के हों, जिस समाज के हों, जिस रिलीजन के हों, वो लोग उनसे जुड़ें, पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें, और जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं और झंडा गाड़ें। नाम क्या मैम? जी, मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ, मैं जिला परिषद कोइलवर आरब भोजपुर से हूँ। जन स्वराज की अहम भूमिका बिहार में क्या रहेगी? बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। आप देखिए, जन सैलाब उमड़ा हुआ है जी, और लोगों में बदलाव की भावना है जी, क्योंकि ये जो लगभग अब 35 साल होने वाले हैं जी, नहीं 35 नहीं 15 × 30 साल 35 साल जी, तो 35 वर्ष होने वाले हैं जी जी बिहार में जी, और काम कुछ नहीं जी जी। पहला जो 15 साल था वो तो पता ही सब जंगल राज था, और दूसरा जो अभी 20 साल है इसमें सड़क और बिजली के बाद कुछ नहीं। तो सड़क बहुत अच्छी बात है, मैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, तो मैं तो नीतीश कुमार जी को कहता हूँ कि ठीक है, आपने सड़कें बनवाई या केंद्र ने बनवाई, बिजली आपने घर घर तक पहुँचा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार कौन देगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे के यहाँ जाके डंडे खाते रहेंगे और कभी बंगाल वाले भगाते हैं, कभी पंजाब वाले भगाते हैं, कभी दिल्ली वाले भगाते हैं, कभी महाराष्ट्र वाले भगाते हैं। बिहारियों की किस्मत में धक्के खाना कब तक लिखा हुआ है, इसलिए अब बहुत हो गया। और रोजी रोजगार को लेकर इन सरकारों के पास कोई योजना नहीं जी। कभी भी आप रोजी रोजगार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बोलेंगे आपको पते नहीं है तब आप जानबे नहीं करते हैं, कुछ था। अरे बहुत हो गया ना भाई, क्या था वो बताइए ना जी। लोगों को रोजगार चाहिए और अब कुछ नहीं, हमको बिहार में रोजगार चाहिए। और सर जो अभी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, चाहे अपराधी का जो चल रहा है चीज़, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है ही ना। अगर जैसे हमने रोजगार की बात की, अगर कंप्लीट स्लोगन की बात करेंगे तो मेरा कहना है कि चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। इन चार मुद्दों पे बिहार को काम करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं भी आपका बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, बिना पैसा दिए FIR नहीं लिखवाएगा। पुलिस वाले को कितना भी लोग डंडा करे, पुलिस वाले वही करेंगे जो उनकी मर्जी है, क्योंकि नीतीश जी के राज में तो पुलिस वाले या प्रशासन वाले बेखौफ हो गए, किसी का डर वर नहीं जी। इसके पहले वाले जंगल राज में तो कम से कम नेता सबसे डरता था ना, पुलिस वाला चाहे प्रशासन वाला आके थप्पड़ मारेगा, अभी तो वो सब भी डर खत्म हो गया। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। तो जन सुराज जनता तक कैसे पहुँचेगी? जन सुराज आज तक आपने कोई नेता ही नहीं देखा होगा जो डोर टू डोर नॉक कर रही है। मैं कोई ऐसी पार्टी थी इससे पहले क्या कि जो बोले कि मैं हर दरवाजे पर जाऊंगा। और मैं जब मुंबई में था, मुझे जब प्रशांत जी का ये मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं गांव गया तो मेरे घर में लोगों ने कहा कि 3-3, 4-4 बार जन स्वराज के लोग आए, तो घर घर तक तो जन स्वराज पहुँच ही रहा है। एक एक आदमी को बताया जा रहा है कि भाई हम नेता नहीं है, आपका बेटा है, हमको काम करना है। जन स्वराज हर दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। लोग माइंड मेकअप कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में बदलाव की बयार है, लोग चाहते हैं, सभी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, उन पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन सब लोग बिल्कुल लोग डरने रहे हैं, सब इस पार्टी से जुड़। अच्छा, जो बिहार में एक जातिवाद होता है, इससे कैसे तोड़ पाएंगे जन स्वराज? देखिए हम मुद्दा है बिहार में जातिवाद, वो लोग सिर्फ जातिगत जनगणना करवाते हैं। उन्होंने जो स्लोगन दिया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इधर ही मिलने वाला जी, समझे जी। वो सिर्फ किताब पे करते हैं, इधर काम होगा सच्चाई में। तुम जातिगत जनगणना तो करवा लिया, लेकिन तुम दे क्या रहे हो किसी को? बाबा जी का ठुल्लू इधर सबको मिलने वाला है। इसलिए जात पात का भी तोड़ है और काम से तोड़। तुम नाटक करोगे, हम भी नाटक करेंगे। तुम वो चीज़ कभी नहीं कर सकोगे जो हम करेंगे, यानी हम काम करेंगे। इसलिए सबका तोड़ है, सबका जवाब मिलेगा। और सर एक कुछ गुनगुना दीजिए आप, जैसे मतलब बड़े कलाकार हैं मिथिला क्षेत्र का, तो जन स्वराज के लिए कुछ नया संदेश। जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, 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 इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है, बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों जन जन का सूरज लाना है, तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, तभी मिटेगा यहाँ, तभी रुक पाएगा पलायन की रफ्तार। मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, और स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना है, मजदूर किसानों जन जन का सूरज लाना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। चुनाव कैसे होगा, बड़ी दिक्कत है। तो भैया एक 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जा रहा है, अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, जिसके सामने आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आप चाहे वहां हैं, यहाँ हैं या गांव में रह गए हैं, आप में से जो आदमी भी इस दल में लीडर बनना चाहता है उसके पास ये स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव आप लड़ सकते हैं सीधे, कोई भाया मीडिया नहीं है, उसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। भैया सब सुन लो न तो हमारा आगे आगे सेल्फी खिंचाओगे उससे कुछ होगा नहीं, फिर छप जाइएगा। 2 बातें बताई गई हैं, जिसको भी दल के नेतृत्व का 25 जो पोस्ट हैं, 25 पोस्ट में जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया है जो कि फिक्स है, दूसरा तो अभी आपसे वोट करके चर्चा करेंगे। जिन सदस्यों ने भी इस दल को लीड करने के लिए, इस दल का नेतृत्व करने के लिए, अगुवा बनने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम, इसको याद रखिए, कम से कम 5000 सदस्यों को जन सुराज से जोड़कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 7 सदस्यीय कमेटी में किसी के पास 15 अगस्त 20 अगस्त से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को वोट करने का अवसर होगा। अगर आप आकर एक जगह वोट नहीं करेंगे तो फोन से आपका मत लिया जाएगा, व्हाट्सएप से आपका मत लिया जाएगा। तो जितने लोग इस पर सहमत हैं, इस पर 3 है कि मिनिमम क्राइटेरिया पैसा नहीं है, जात नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं है। अगर आपने इस विचार को, बिहार को सुधारने के दिशा में काम किया है तो आप योग्य हैं, आप इसके लीडर बन सकते हैं। अब इस पर मत है कि 1000 सदस्य रखा जाए, कि 2100 रखा जाए, कि 5000 रखा जाए। जितने लोग 5000 के पक्ष में हैं वो लोग हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठाना पड़ेगा, हाथ कई बार उठाना पड़ेगा। 5000 मिनिमम क्राइटेरिया, कौन कौन चाहते होना चाहिए? 5000 होना चाहिए कि कम होना चाहिए? 5000 होना चाहिए ना भैया, दल का नेतृत्व करना है। 5000 आदमी तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मान लिया जाए 5000। अब 5000 बहुत आदमी सोच रहा होगा कि जाके तुरंत वोटर लिस्ट उतार के दे देंगे। ये जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं चाहता हूं उनका नाम भी ले लूं। वो लोग 2 मिनट आएंगे, हमको थोड़ी राहत हो जाएगी, वो लोग अपना परिचय देगा। ये 7 सदस्यीय समिति को आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। पहले से जोड़ करके आप लोग जो रखे हुए हैं, पहले से जोड़ दीजिएगा, फिर से भर दीजिएगा। और हर वो नाम जो आप लिख कर भेजेंगे उसको फोन करके चेक किया जाएगा कि आपने ही वो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पहला दूसरा जो आप अपना खाता में नहीं डाल सकते हो। 5000 हाथ तो उठा के कह दिए, होगा किसी से नहीं। तो जिसको 1 करोड़ लोगों का नेता बनना है, 5000 लोगों को तो जोड़ना बनता है ना भाई? बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो वर्कर कहता है भैया पसीना हम पर है, पैसा वाले लोग आकर मंच पर बैठे। हम जान रहे हैं पीछे बहुत लोग कह रहा होगा भैया ये काहे बैठ गए हैं वहां मंच पर, मेहनत तो हम किए हैं, चले तो हम हैं। इनको आदमी चले भी नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के बगल में बैठे हुए। गांव गांव जाकर क्या बोले हैं? लोगों को गमछा डालना दीजिए, घबराइए नहीं। अभी बहुत लोग उड़ के आएगा, कोई जगह नहीं लगने वाला, न चलने वाला है वो। एक और गंभीर विषय, क्या पढ़ाई को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया बनाया जाए। इस पर बहुत बहस हुआ। मेरा अपना मत है कि पढ़ाई और डिग्री के आधार पर नेता का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि आपसे पूछ लें कि सिर्फ 5000 सदस्यों को जोड़ने को ही क्राइटेरिया माना जाए कि उसके साथ साथ 10वां पास, IA BA कोई डिग्री को भी जोड़ा जाए। जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को भी डिग्री, देखिए यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठेंगे, ये हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए। सदन में जाना है कि नहीं जाना है? अगली बार बिहार का विधानसभा जन सुराजियों से भरा होगा, और वो जन सुराजी कौन है? जो इस सभागार में बैठे हुए लोग हैं। इन्हीं में से, आपके बीच से, और जिसको जिसको भरोसा नहीं हो रहा है उसको फिर से याद दिला देते हैं। हमारा जो आलोचक है वो भी कहता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं आता है? अगर आपको भी चुनाव लड़ाएंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे, भरोसा रखिए, हारने नहीं देंगे। तो अब आप देखिए, एक बार आप साहब हम उससे निशानी है, खड़ा हो जाइए। देखिए पहले शुरू कराए हैं, सदन में गए। तो जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री लीडरशिप के चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया बने, जो बनने के पक्ष में है वो हाथ उठाइए, होना चाहिए, बात होना चाहिए। देखिए ये बहुमत की ताकत है। हमने बोला कि हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 10वां पास रखा जाए, 10वां या इंटर। देखिए आप, ये हंसी की बात नहीं है। एक बार संविधान में ये बात लिख दी जाएगी, फिर आप उसको हिला नहीं पाओगे। तो सोच समझ कर बोलिए, 10वां या 12वीं? 12वीं, कम से कम 12वीं। सबकी सहमति है? एक बार शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए। ठीक है, अरे भाई ठीक है, ठीक है। आप अभी, हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपको हमने, शांत होइए, पहले शांत होइए। आपको हमने पहले कहा है कि ऐसी 10 मीटिंग अगले 2 महीने में होनी है। यहाँ पर ये जो सदन है ये बना हुआ है, 10वां होना चाहिए कि 12वीं होना चाहिए। आपका बात सुन लिया गया। इस पर फिर से हम वोट संविधान लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को नोट कर रहे हैं कि क्या लिखना है, घबराइए नहीं। अब चुनाव के समिति के 7 लोग जो इस पूरे चुनाव को कराएंगे उनका नाम जान लीजिए, और अगर वो साथी यहाँ हैं क्या उनका हम लोग परिचय करा सकते हैं। पहला नाम है समस्तीपुर से हम लोग के दल के अभियान के सभापति डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव जी को पहले चुनाव समिति में पहला सदस्य भूपेंद्र यादव जी बन रहे हैं। दूसरा नाम बेगूसराय से आर्यन सिंह साहब है। कहाँ? तीसरा नाम सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर सुरेश शर्मा जी। कहाँ हैं सुरेश जी? मैं चाहूंगा कि आगे आगे बच्चे लोग जान कर आप लोग के हाथ में लोग का सबसे किस्मत है, आप लोग आगे आ जाइए। चौथा नाम है सिवान से वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी का। पांचवा नाम है पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध डॉक्टर मंजूर नसीम जी का। छठवा नाम है सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर अरविंद सिंह जी का, जो भोजपुर शाहबाद से आते हैं। अरविंद जी कहाँ? अरविंद जी कहाँ नहीं छुपे हुए? अरविंद जी को आ जाइए। और सातवां नाम है मुजफ्फरपुर से स्वर्ण प्रकाश सहनी जी का। आप लोग अपना परिचय देंगे और इसके बाद में आपको बताऊंगा कि चुनाव होगा कैसे, इसकी पूरी मार्गदर्शिका भी आपके पास लिखकर भेजी जाएगी। अरविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद जी जब अनाउंस करा जाए तब आप लोग अपना परिचय कराइए। सर, जन सुराज की क्या भूमिका रहेगी बिहार में? अभी नई पार्टी बन रही है, आप देखिए कि जन सुराज की जरूरत क्यों पड़ी जी। आप समझिए, इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीट भाजपा, बीट जेडीयू, बीट राजद, इनने बिहार को क्या दिया? इनने बिहार को पिछले 40 साल में बिहार को इनने बीमारू राज्य का दर्जा दिया। बिहार को इनने बुड्ढों का प्रदेश बना दिया। सारे नौजवान आज माइग्रेट कर गए, सारे नौजवान आज बिहार छोड़ दिए। तो इसी सिलसिले में प्रशांत जी ने ये मुहिम चालू की, जन सुराज मुहिम चालू की। अभी तो जैसे हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं है, 2 अक्टूबर को हम लोग राजनीतिक दल बनेंगे। प्रशांत जी ने बिहार के लिए एक मुहिम चालू की ताकि बिहार को हम लोग फिर से डेवलप राज्य में ला सकें। तो बिहार के लिए मुहिम, बिहार के लिए, बिहार के आने वाले भविष्य को अच्छा किया जा सके। तो जो बढ़ते अपराध पर मतलब क्या भूमिका रहेगा प्रशांत जी का? देखिए, नीतीश जी के पास अब शासन करने कुछ बचा नहीं। एक समय था लालू जी का, उस समय गुंडा राज था, आज नीतीश राज में आपका अधिकारियों का राज है। अभी अगर आप न्यू मीडिया की टीम से है तो आप देख रहे हैं कितने भ्रष्ट आईएएस अधिकारी का भी अकूट संपत्ति पकड़ा जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी अब ये अंतिम दौर पर, अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर पर, इनसे अब बिहार संभला नहीं जा रहा है। अब देखिए प्रशांत जी के पास पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस टाइप से ये शिक्षा पे बात करेंगे, किस टाइप से ये अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, किस टाइप से स्वास्थ्य पे बात करेंगे, किस टाइप से ये फिर से जो बिहार को एक सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था नीतीश कुमार, लेकिन अब फेल कर रहे हैं। फिर से प्रशांत जी उसको अब पूरा दुरुस्त करेंगे, जितना पुलिस डिपार्टमेंट है सबको अब दुरुस्त किया जाएगा। क्या जैसे महिलाओं पर अभी नीतीश कुमार जी जिस मतलब बोल रहे हैं उस पर क्या आपको प्रतिक्रिया है? नीतीश कुमार जी क्या जो महिलाओं के लिए टिप्पणी मतलब हर देखिए वो हम क्या बोल रहे हैं कि अब वो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर पर है, अब उनको अल बल कुछ भी बोलना है, वो तानाशाह जैसा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए वो किन के पार्ट पे चले गए, कभी वो भाजपा जाते हैं, कभी वो लालू जी के पास चले जाते हैं, उनको बस सत्ता पे रहना है। अब जब सत्ता पे उनको रहना है तो कुछ भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अब उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, अब वो बस अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। तो उनको अब कुर्सी कुमार का दर्जा दे दिया गया, पलटू कुमार तो वो थे ही, अब उनको कुर्सी कुमार का भी दर्जा बिहार लोग दे रहा है, कुर्सी कुमार का अब उनको दर्जा दिया जा रहा है। आगे जन सुराज का मतलब क्या बिहार में भूमिका रहेगा, पूरे बिहार में मतलब चुनाव लड़ेंगे? जन सुराज 243 सीट पे लड़ने जा रही है और मैं आपके मीडिया के टीमों को बता देना चाहता हूँ, मीडिया के द्वारा मैं पूरे बिहार को देना चाहता हूँ कि अब जन सुराज एक जयप्रकाश नारायण में जब जयप्रकाश जी अपना चालू किए तो उस समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। अब पूरे बिहार में फिर से संपूर्ण क्रांति आने वाली है, लेकिन ये क्रांति अब बिहार के बिहारी लाएंगे। जो भी पार्टी वाले थे, चाहे वो जेडीयू, भाजपा, राजद वाले, इनने सारे बिहारियों को बिहार से बाहर खदेड़ दिया। बिहारी अपने आप में गाली बना दी गई। तब वैसे लोगों को फिर से बिहार में पुनः स्थापन किया जाएगा, सारे नौजवानों को अच्छे से रोजगार दिया जाएगा ताकि बिहार को फिर से अग्रणी राज्य में शामिल किया जा सके। और इसमें पूरा हम लोग जो प्रशांत जी की टीम है, पर हम लोग खुद प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हैं, इसमें खुद हम लोग बढ़ चढ़कर, और जिस टाइप से आप लोग माहौल देख रहे हैं, जिस टाइप से देखिए बड़े बड़े पार्टी से लोग छोड़कर अब प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी के पास एक विज़न है। प्रशांत जी, आप प्रशांत जी का सारा भाषण सुने, प्रशांत जी ये नहीं बोलते कि हमको सत्ता पे लाइए। प्रशांत जी अभी अपने लोगों को, बिहारियों, अपने लोग क्यों बोलता हूँ कि प्रशांत जी बिहारी हैं, तो अभी ये सारे बिहारियों को अपना अधिकार बता रहे हैं। प्रशांत जी ये नहीं बोलते कि आप हमें वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन ज़रूर ये बोलते हैं कि वोट आप भले दूसरे पार्टी को दीजिए लेकिन अपने नेता को सुन के वोट दीजिए। तो वो क्या बोल रहा है? क्या वो बिहारियों के लिए बात कर रहा है? क्या वो शिक्षा पर बात कर रहा है? तो सिर्फ जाति धर्म पर बात कर रहा है? तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है? तो ये सारी चीज़ों पर है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम अनमोल चौहान हुआ और मैं बांकीपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। थैंक यू। आपका जीवन भर मैं आभारी रहूंगी। अति पिछड़ा की बेटी को आपने इतना सम्मान दिया है, मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। तहे से आपका बहुत बहुत लाख करोड़ बार आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंचशील सम्मान से सम्मानित भाइयों, मेरी बहनों, बिहार के कोने कोने से आए हमारे जिला के अधिकारी, हमारे प्रखंड के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी, हमारे अनुमंडल के अधिकारी, बिहार के बहनों और भाइयों, मैं स्वर्णलता सहनी आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और वादा करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इतनी विश्वास जगाया है मैं जरूर उसको साबित करके दिखाऊंगी। भाइयों, जन सुराज इतनी एक जो इनका वर्ड की मीनिंग है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है आखिर। जनता का सुंदर राज जो हम बनाएंगे। दस किलोमीटर पैदल चले यहाँ उसी को बैठकर पकड़ा है। रामबली चंद्रवंशी जी MLC का पद छोड़कर प्रोफेसर हैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। राजद के एमएलसी के पद को छोड़कर समाज के लिए आवाज उठाने के लिए अपने एमएलसी पद को छोड़ने वाले रामबली चंद्रवंशी जी का आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। आइए। मेरा परिचय जैसा बता दिए, आज बिहार की जो हालात है, लगता है कि राजनीति यहाँ ठहर सी गई है। वैसे संक्रमण काल में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन आप तमाम और हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो बिहार जहाँ से प्रजातंत्र की नींव पड़ी थी, वह बिहार जहाँ से गांधी जयंती से लेकर बुद्ध तक का जाना जाता है धरती पर, उस बिहार को आज क्या हो गया है कि 20 वर्षों से बिहार या उससे भी ज़्यादा वर्षों से कहें रुक खा गया है। वैसे बिहार में हलचल पैदा करने के लिए, बिहार की पुरानी गौरव को प्राप्त करने के लिए आज प्रशांत किशोर जी हम सब लोग के बीच में आए हैं। एक आशा की किरण है और जितने बिखरे पड़े हुए छोटे बड़े मोती हैं उसको चुन चुन करके अपने साथ जोड़ने का और एक बड़ा माला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सोचा था कि एक अदना सा सदस्य के रूप में अपना जन सुराज मजदूरी करूँगा, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी का बड़ा दिल देख करके मैं गौरवान्वित हूँ। और मैं संकल्प दोहराता हूँ कि इस बिहार को बदलने के लिए किनको क्या पद मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किनको सम्मान मिल रहा है किनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बिहार के परिवर्तन के लिए एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी बिहार बदलेगा। इन्हीं संकल्प के साथ मैं जन सुराज को एक बार उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय जन सुराज, जय बिहार। लगाने से जीवन नहीं बदलने वाला। जिसको भी चुनाव समिति में नाम जो जारी किए गए हैं, इस पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप लिखित तौर पर या फोन करके अगले 7 दिनों में 91-216 हमारे ऑफिस में फोन करके आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति का को संज्ञान में लिया जाएगा। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण है संविधान, उसको कौन बना रहा है उसको जानना जरूरी है। संविधान इसलिए जरूरी है कि आप देख रहे हैं देश में चाहे कांग्रेस शासन करे, भाजपा करे या कोई तीसरा फॉर्मेशन करे, कोई आए कोई जाए, एक रूपरेखा जो संविधान में खींची गई है उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर ये व्यवस्था जन सुराज में हम लोग बना रहे हैं कि आज सबकी भावना अच्छी है तो आज ही ऐसा संविधान बना दो कि कल होकर चाहे प्रशांत किशोर रहे या कोई दूसरा रहे, कोई किसी के साथ बेईमानी न करे, कोई किसी दल को लेकर भागे नहीं। तो मैं 121 सदस्य पूरे बिहार से चुने गए हैं जिनको अगले 2 महीने तक मिलके इस संविधान को बनाने का जो प्रारूप है उसको बढ़िया बेहतर करना है। उनका नाम जारी किया जाए उससे पहले मैं 2-3 साथियों को आपके अनुमति से बुलवाना चाहता हूं। सबसे पहले भारत रत्न माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की पोती डॉक्टर जागृति जन सुराज परिवार में शामिल हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, जोर से ताली बजनी चाहिए। डॉक्टर जागृति इनके ये अपने बारे में बताएंगी। इनके पिताश्री बैठे हुए हमारे बगल में, ये पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन जन स्वराज की नेत्री के तौर पर इनकी बिटिया इसलिए ज्वाइन कर रही है, इनके मुंह पर पड़ रहे हैं, इनसे ज्यादा काबिल है। इनके हस्बैंड हिमाचल में बड़े अधिकारी हैं, इनका छोटा बच्चा है, सब कुछ सारी परेशानियों के बाद भी इन्होंने जन स्वराज के विचार को अपनाया है, प्रभावित हुई हैं और आज आपके हमारे साथ इस परिवार में जुड़ रही हैं। तो ये बोलना शुरू करें उससे एक बार पहले जोरदार ताली से इनका स्वागत होना चाहिए। बोलिए। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर जागृति, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर की बेटी हूँ और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती हूँ। मेरे पति भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं और मैं हिमाचल में रहती हूँ और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पर उन सभी महिलाओं को पूरा करते हुए मैं बिहार की जनता की सेवा करने बिहार आई हूँ। मेरे माता पिता ने हम दोनों भाई बहनों को शिक्षित किया, हम दोनों भाई बहनों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा लिखा के बड़ा किया और साथ में हम दोनों भाई बहनों को डॉक्टर बनाया और हमेशा यही शिक्षा दी कि दादा की कुछ चीज़ों पे सच्चाई की राह पे, ईमानदारी की राह पर चलने की शिक्षा दी, जिसकी बदौलत आज हम दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरुण विकास ठाकुर पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में चिकित्सक हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। मैं प्रशांत भैया के विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और उनकी जो परिकल्पना है नए बिहार को बनाने में, उसमें मैं इनका पूरा सहयोग करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है आप जब घिराव कर जा रहे हैं तो? मेरा नाम रोशनी कुशल जायसवाल जी। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है आप लोगों से? मुख्य मांग ये है कि बेलगाम अपराध लगातार हो रहे, पेपर लीक, अग्निवीर योजना और बेरोजगारी के विरुद्ध आज हमारा ये विधानसभा घेराव मोदी जी के कानों तक जरूर पहुंचेगा कि युवाओं में कितना आक्रोश है, युवाओं में कितना दर्द है। हर घर में अगर 5 युवा है तो 3 युवा बेरोजगार है जी। बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लगातार इनके मंत्री आगे झूठ बोल के चले जाते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो रेल मंत्री हो। रेल हादसा होते हैं तो कहेंगे कि यहाँ कोई रेल हादसा नहीं हुआ, पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री कहेंगे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो इनके अलावा इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। ये जो प्रदर्शनकारी थी इनको रोकने की कोशिश की गई थी। निश्चित रूप से प्रदर्शनकारी जो थी हम लोग ने पहले से ही बोरी रोड चौराहा के पहले ही हम लोग ने इनको बैरिकेडिंग कर रखा था और इनको पहले ही कहा था कि आप को क्रॉस नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ से उभरने का प्रयास किए। लोग आगे जाने का प्रयास किए, इसी क्रम में हम लोग ने इनको कुछ लोगों को डिटेन किया है। पुलिस वाला भी कोई घायल हुआ है? अभी मैं एक्सेस कर लेता हूँ, पहले फिलहाल तो अभी मैंने इसको भेजा है, भेज करके बाकी एक्सेस कर लेता हूँ। थैंक यू। देखिए, आज NSUI के तरफ से एक विरोध मार्च उन्होंने आयोजन किया था और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से आ रहे थे, जो कि आप देख पा रहे हैं। पूरी रोड चौराहे के पहले ही हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखा था, क्योंकि आगे विधानसभा भी चल रही है और आगे काफ़ी दिक्कत ही है, अलाउड नहीं है। कोई भी नाजायज़ मजमा को आगे हम लोग लगने नहीं देंगे और ये विधि विरुद्ध भी है। इसी क्रम में हम लोगों ने इनको रोकने का प्रयास किया। ये लोग प्रयास कर रहे थे आगे तोड़ करके निकले, तो फिर हम लोगों ने से जो लोग ज़्यादा उम्र थे उनको हम लोग डिटेन कर लिया है और बाकी लोगों को हम लोग निष्पक्ष करा दिया है। चोटिल होने की भी अभी मैं एसेस कर लेता हूँ क्या क्या हुई है, क्योंकि जो सभी उन लोगों ने किया है उन लोगों को जो लोग डिटेन किए हैं उनको भेजा है अभी गजवाहन से। बाकी अन्य चीज़ें क्या क्षति हुई क्या हुई है उसको मैं एसेस करूँ, देना आपको बता पाऊँगा। पुलिस वाले जिनका सर फूटा सर उनका नाम क्या है मैं बता ही रहा हूँ, कि अभी पहले एसेस कर लेता हूँ, मैं आगे का देख लेता हूँ कि क्या क्या होगी, उसके बाद मैं बता पाऊँगा। देख पा रहे मामला हो सबसे ज्यादा युवा यहाँ ये देखिए, ये पटाखा जो उसका फट गया है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं पटाखा जो बेकामजी व्यक्ति का जो पुलिस का साथ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं डरो मत, हम सब लोग को मिलके लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इस देश को बचाना पड़ेगा, इस देश का संविधान को बचाना पड़ेगा, इस देश का लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, इस देश का युवा को बचाना, इस देश का छात्र, गरीब, मजदूर, किसान, महिला सभी को बचाने का काम हम सब लोगों के ऊपर है, जिम्मेवारी है। मैं सारे साथी को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करना है, बिहार को बचाना है, आप सब लोग लड़ाई लड़ने का काम, आप लोग आवाज उठाने का काम करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी कार्यक्रम को भी समय हो रहा है, आप लोग ने यहाँ दूर दूर से आया है, आज मेरे को भी इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं इस मंच में सारे कांग्रेस नेता है, आज पीसीसी अध्यक्ष जी भी वहाँ पार्लियामेंट में जो बजट सेशन की वजह से नहीं आया, बट सारे यहाँ नेता, सीएलपी नेता, सारे हमारे एमएलए, एमएलसी, सारे लीडर इधर है। मैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करके, मेरे को बुला के बात करने को मौका दिया, उन सबको मैं धन्यवाद बोल के मेरा बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जिंदाबाद। जो भी साथी हैं इस हॉल से आगे निकलने का काम करेंगे, हम और हमारे जो भी प्रदेश के तमाम पदाधिकारी हैं वो आगे रहेंगे, उनके पीछे हमारे प्रदेश के नेता रहेंगे, सभी लोग आगे आए और रोड पर संघर्ष के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बिहार। मुद्दा है जो छात्र हैं, जो उनके माँ बाप का सपना है कि अपना बेटा पढ़ेगा, इस देश के लिए करेगा और अपने परिवार के लिए करेगा, उनको सपने को ये लोग तोड़ रहे हैं। हर दिन, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, 7 साल में 70वां पेपर लीक हो चुका है। बट ये इनके जो शिक्षा मंत्री हैं इतने बेशरम हैं कि बोलने कोई एविडेंस नहीं है, बट जिस बच्चे का पेपर लीक होता है, जो पेन है उसको और उसी परिवार को पता चलता है। इन सब को चीज़ों को, मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं, विधानसभा घेराव करेंगे आज। नाम क्या है? सम्राट जैना, प्रभारी बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि इस मार्च की और घेराव की सूचना उनको नहीं दी गई है, यह उसकी कॉपी है उपलब्ध, जो 22 तारीख को जिला अधिकारी पटना, उसके अलावा वरीय आरक्षी अधीक्षक, यातायात अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी पटना, थाना अध्यक्ष संबंधित प्रक्षेत्र को भेजा गया है। तो ये तो समझ से परे है, इस लोकतांत्रिक देश में, गांधी के देश में, अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना, प्रदर्शन, घेराव करना चाहें तो उसके लिए भी हम लोगों को परमिशन, अगर हम मांग रहे हैं तो परमिशन आप नहीं दीजिएगा या झूठ बोलिएगा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो ये बात आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे और हम लोगों के बीच में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी बैठे हैं, वो भी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। भारत में राज किए थे तो चौकीदार अंगरक्षक का काम अंग्रेजों ने दिया था ब्रिटिश हुकूमत के सरकार में, परंतु उस समय थोड़ा मनी पैसा मिलता था मजदूरी, परंतु लालू यादव के सरकार में चौकीदार पद को राजकर्मी का दर्जा दिया गया और आज चौकीदार लोग को 45 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, परंतु नीतीश कुमार की सरकार ने हाई कोर्ट के सहारा लेके इस पद को जो है जनरल करने का काम किया है। एक तरफ आप दलित को महादलित बना दिए और महादलित को बनाने के बाद सबको रोजगार दिए, अच्छा काम किए, परंतु दलितों को आपने क्या दिया? पासवान समाज के पास यही वो काम बचा हुआ था, इसको भी नीतीश कुमार ने छीनने का काम किया है। इसी का विरोध में हम लोग जो है आज आंदोलन कर रहे हैं और मेरे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, इसी के विरोध में हम आंदोलन करने के लिए फिर जा रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार से कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हम लोगों को पूरे बिहार के पास पर आप जो है उसका अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में पूरे बिहार के जनता जो आपको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। हम लोग आज जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं और जिस तरह से हमारे साथियों को पुलिस के द्वारा लाठी चला करके जब माथा फाड़ दिया गया है, आज जो हम लोगों को बिहार की जनता की तरफ से बिहार प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र को भेजा जाए। जो आरक्षण बिहार ने लागू किया, इस आरक्षण को नाम करा जाए ताकि इसके ऊपर जो हमला हो रहा है आरक्षण, देखिए भाजपा के लोग करवा रहे हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन लोग थे। हमारी मांग सीधी है, बिहार भाजपा के लोग हो रहे हैं, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो गए। नीट एग्जाम में पेपर लीक हुई एनटीए कंपनी के थ्रू, इस एनटीए कंपनी पर कार्रवाई हो, उस एनटीए कंपनी को खारिज करे। इस मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। बिहार के अंदर में 65% आरक्षण था, उस 65% आरक्षण को जो खत्म करके 50% लाया है, ये 65% आरक्षण लागू हो, इस सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़क पे हैं। हम लोग नीतीश कुमार को कहना चाह रहे हैं, ये जो तुम मुहैया वाली बात कर रहे हो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता जाग चुकी है और तुमको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक छात्र नौजवान एक बंद होकर के आंदोलन करेगा और तुमको आने वाले टाइम में खारिज करेगा। जिस तरीके से अभी देश के अंदर में एनटीए को खारिज करने का आंदोलन चल रहा है, अग्निवीर योजना को खारिज करने का आंदोलन चल रहा है, तुम तो जिस तरीके से 65% आरक्षण को खारिज किया हो, उस तरीके से तुमको भी खारिज करेंगे। इस बात को अभी कहा जाएंगे हम लोग अभी विधानसभा के समक्ष घेराव कर रहे हैं और आगे तक हम लोग विधानसभा के सभी तौर करना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और लगातार देश के सबसे बड़ी परीक्षा है डॉक्टर्स बनने की परीक्षा। बच्चे इतनी मेहनत करके गरीब तबके के लोग जाके एग्जाम देते हैं और जब यह पता चलता है बैठ रहे और कल पेपर लीक हो गया तो उस बच्चे पे क्या आद होती होगी। उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हम लोगों ने पढ़ा और पढ़कर एग्जाम दिया, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा वो पैसे के बल पर आज एग्जाम्स को खरीदना चाहते हैं। तो आज हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर है वो मेहनत के साथ साथ अपने हक की लड़ाई के लिए भी लड़ना चाहते हैं। और आज हमारा विधानसभा मार्च है ताकि सरकार हमारी बात को सुने और पेपर लीक दोबारा हो और एग्जाम को दोबारा से लिया जाए। सरकार तो जाँच करा रही है नीट पेपर मामले की, सरकार जाँच करा रही है, लेकिन जब बड़े बड़े पैसे वाले लोग एग्जाम पेपर लीक में सम्मिलित होना तो सरकार तो उसके इशारे पे चलती है ना। तो सरकार को बिल्कुल पता है पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो अपनी गलती और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसको बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। और हम अपने प्रोटेस्ट से ये बताना चाहते हैं कि हम छात्र छात्र नौजवान न छुपने वाले हैं न रुकने वाले हैं। और ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। रद्द करने के लिए देखिए ये सरकार जो है ना, गाँव में एक कहावत है कि जब आदमी का पेट मोटा हो जाता है तो उसको बार बार पिन किया जाता है। ये सरकार का काम दिमाग सब मोटा हो गया है, उसको बहुत देर से सुनाइए कि अग्निवीर योजना जो आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल युवाओं के साथ एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें लोग जवानी में रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये कैसी स्कीम है देश के युवाओं के लिए जिसमें लोग शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये सब चीजें हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार होता रहेगा जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं लेती है। हर एक युवा आगे क्या सरकार से मांग है आपको? हमारी फिलहाल ये मांग है कि नीट यूजी में जो धांधली हुई है उसको सरकार एक्सेप्ट करे और इसका दोबारा से एग्जाम ले, ताकि जो बच्चे जिन्होंने सच में पढ़ाई की है उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और वो अच्छे से एग्जाम देकर। देखिए हम सरकार की रवैये से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि सरकार बिल्कुल ही छात्र हित में काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अंबानी और बड़े घरानों के लोगों के लिए काम करती है, सरकारी बिजनेसमैन लोगों के लिए है, हम आम जनता के लिए आम स्टूडेंट्स के लिए लोगों के लिए नहीं है ये सरकार। इसलिए सरकार को हमारी बात नहीं सुनना है, तो हमें अपनी बात को सुनना आता है। हमें ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ से गांधी जी ने लड़कर आज़ादी ली थी, तो हमें उनकी शहादत भी याद है और हम शहादत देना भी जानते हैं और अपने अधिकार को लेना भी जानते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम जानती रॉय समस्तीपुर आई सा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आज आइसा का पूरे बिहार भर से जिला भर से जिससे छात्र युवा जो है वो आज सड़कों पे है और हम लोग का विधानसभा मार्च जो है आज पूरी हो रहा है। हम लोग का मांग है कि नीट यूजी में आप देख रहे हैं कि मई 4 मई को परीक्षा के मामले आ गए थे, क्योंकि 5 मई को एग्जाम दिया गया। लगातार नीट यूजी को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार एकदम से मौन पड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग का मांग है कि नीट यूजी जो परीक्षा है जिसमें धांधली ऑलरेडी दिखा है, भ्रष्टाचार दिखा है, उसको रद्द करके पूरा एग्जाम लिया जाए। एनटीए जैसे गैर संवैधानिक संस्था जो है उसको खत्म किया जाए और अग्निवीर योजना जो आप देख रहे हैं कि लगातार सेना भर्ती में जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जितने भी अग्निवीर शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को जो है प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर तक ले जाया जा रहा है, उन्हें सलामी भी नहीं दी जा रही है। तो जो सबसे बड़ा संकट जो है उनके परिवार के साथ ऊपर है, क्योंकि पिछले महीने में जो जितेंद्र कंवर जो है वो मतलब शहीद हुए थे, उनके परिवार को अभी तक कोई भी राशि नहीं मिला है। वो उनको लिखना पड़ रहा है लेटर बार बार, उसके बाद जा कर के कोई सुनवाई भी नहीं होता है। बार बार उनके परिवार जो है पीड़ित तरीके से वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनको कोई भी सुविधा जो है सरकार के द्वारा तुरंत जो मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बुनियादी जो असुविधा भी उनको जो मतलब कि नहीं, सुविधा जो है वो नहीं मिल रहा है और उसमें लगातार उनके परिवार भी एकदम से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अग्निवीर जैसे योजना को साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके पूरी तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बता लीजिए 17 साल की उम्र में जब उच्च शिक्षा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम से आप एक प्रलोभन देकर करके एक नौकरी का नाम दे करके जिसके बाद 22 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देते हैं। ये कहाँ से इंसाफ हो रहा है उनके परिवार के साथ, उनके साथ? तो लगातार ये हमारी मांग है कि अग्निवीर योजनाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से पारित हो और आरक्षण आरक्षण जो आप देख रहे हैं कि संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव जो है हम लोग विधानसभा से पारित होने की मांग करते हैं। लगातार हमारी मांग जो है नीट यूजी को खासतौर पर जो एग्जाम है इसको रद्द करने की बात इसलिए करते हैं कि समान अभ्यर्थी जो है न्याय पसंद जो अभ्यर्थी है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि इस एग्जाम को जो मेडिकल क्षेत्र जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा होती है ऐसे में कितने विभिन्न परीक्षा जो हुए हैं जो NTA कंडक्ट कराया है उसमें 71 से भी ज़्यादा परीक्षाएं असफल हुए हैं, किसी में पारदर्शिता नहीं दिखी है। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्यों ये NTA के जो अध्यक्ष प्रदीप जोशी उन्हीं को हायर कर रहे हैं, उन्हीं को एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए दिए जा रहा है, जबकि उनके ऊपर आरोप लगा है तो तत्काल उनको रोक लगाना चाहिए। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा लिए जा रहे हैं तत्काल उन पर रोक लगाना चाहिए कि अभी आप नहीं ले सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन में सही जाँच नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लगातार प्रोटेस्टर जो है अपनी मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे संस्थान को गैर संवैधानिक संस्थान को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो है डबल इंजन की सरकार ये मौन चुप्पी साधे बैठी हुई है। किसी भी तरीके से जब जन सरोकार का आवाज़ बुलंद होता है तो ये केंद्र सरकार इसी तरीके से चुप्पी साध लेती जाने दो कोशिश करते हैं। आसानी से हमारे प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के अफसर कई बार विधानसभा चलते हुए हमने पहले इस बात को इसलिए हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर के बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसीलिए सभी साथियों से आग्रह है जब तक हमारे नेता मिलने जाते हैं तब तक हम अपनी बात खड़े होकर के करेंगे। इसीलिए सभी साथियों से आग्रह लंबे समय से यही होता है आम सभा जब नहीं चलता है के जो स्टूडेंट लोग हैं इसके द्वारा ही आज का यह कई मामले हैं, छात्र मामले को लेकर के हैं, लेकर के हैं, उसके बाद इनका अन्य कई मामले रहे हैं उसके लेकर के ही अपने तरीके से अपना सुझाव और मांग कर रहे हैं। इसी के लेकर के बीजेपी को नंबर के पास उन्होंने कोई पर लगाए करना है और साथ में आए कि आप आगे हैं अधिकारी के साथ जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। साथ ही जो भी आप मजमा लगा रहे हैं गैर कानूनी है कराया है अभी प्रदर्शन क्यों आप लोग कर रहे थे? क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, खास करके महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ती है और जब बेटी नौकरी करती है स्कूल में जाती है तो बेटी का मर्डर होता है, गैंग रेप होता है। आपको पता नहीं है कि श्रेया हत्याकांड, आपको पता नहीं है ऋतु हत्याकांड, हर तरफ बेटी का बलात्कार शोषण मार के उसको फेंक दिया जा रहा है। कहाँ है सुरक्षा? बिहार में महिला कहीं से सुरक्षित नहीं है, इसीलिए आज हम लोग रोड पर। ये सुशासन का सरकार है, बोले कि सुशासन की सरकार है। सुशासन डबल इंजन की सरकार में सरकार की सारी ब्रेकिंग फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है। एक कहावत था, ये ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो वही स्थिति है। बिहार आने से लोग अब डर रहा है, कहीं बिहार जाएंगे और सुरक्षित वापस नहीं आएंगे। बिहार का वैसा स्थिति है। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि इसमें लालू यादव जी का हाथ है, मुकेश जी के पिताजी में। चौधरी से क्या होने वाला है? वो मुरट्ठा खोलते हैं बांधते हैं वो मीडिया में चलता है, बाद बाकी कुछ नहीं चलता है। सम्राट चौधरी अपना मुरट्ठा संभाले अपना मुरट्ठा बांधे, बिहार से उसको क्या मतलब है? उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब। 6 महीना में हजामत बना देंगे वो, तो सीधा लालू यादव को टारगेट करती उन्हीं का परिवार का मतलब मदद करने से कुछ लालू यादव को होने वाला नहीं है। लालू यादव का देन है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, नहीं तो उसको कुछ था। उनके पिताजी कहाँ से बने, कहाँ से आए हैं, जाके पूछ लीजिएगा। 25 साल से किसकी सत्ता है, 25 साल से तो आप ही लोग की सत्ता है। काहे लालू यादव का नाम ले 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 के अपना आप को बचाना चाहते हैं। पहले अपना देखिए ना, अपने अंदर समीक्षा करिए ना कि आप कैसे, आप क्या कर रहे हैं। अपने अंदर समीक्षा करके देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है। कहीं से कोई सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल होकर हम लोग मारे जाएंगे। ये स्थिति है बिहार में। बिहार में कुर्सी की लड़ाई है, बिहार से किसी को मतलब नहीं है। जो नीट पेपर में आप लोग जो प्रदर्शन किए थे उसमें से 3-4 लोग धराए थे, क्या मामला था? 3-4 लोग जो धराए थे वो भाजपा के ही लोग हैं, आप समझ लीजिए। चाहे वो अमित आनंद हो, चाहे संजीव मुखिया हो। नीट पेपर क्यों नहीं रद्द हुआ बताइए ना। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता का बेटा सब उस पर पैसा खरीदता है, बेचता है, लेता है। स्टूडेंट को जेल भेज रहा है ये लोग, आपको पता ही होगा। स्टूडेंट को जेल, बड़े बड़े मछली बच रहा है, छोटा छोटा मछली को पकड़ के जेल भेज रहा है। तो भाजपा के शासन में, एनडीए के शासन में ये सब कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है। पेपर लीक क्या कहे, कुछ भी लीक हो सकता है। चलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए प्रोटेस्ट का मतलब ये निकलता है कि आखिर कौन सी मजबूरी हो गई जो आप मिल गए जाकर के मोदी जी। क्या वजह हुआ? यही मोदी जी सरकारी कार्यक्रम में आरा में आए थे और उन्होंने कहा था कि 90 दूं 100 दूं कि 1.25 करोड़ दूं। और आज क्या हुआ, आज क्या दिया? और क्या आप भिखमंगे की तरह वहाँ पहुँचे हुए हैं? बार बार कह रहे हैं कि पैकेज दो, पैकेज दो। अरे बिहार खोखला होते जा रहा है, बेरोजगार होते जा रहा है, दिशाविहीन होते जा रहा है, क्राइम का दर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, चीनी मिल बंद हो गया, कपड़ा मिल बंद हो गया, आपका जूट मिल बंद हो गया, कागज मिल बंद हो गया। क्या हो रहा है? आपको समझना होगा कि इस देश में बिहार एक ऐसा था कि हम यहाँ से गांधी को हीरो बना के भेजा और आप नीतीश जी बिहार को जीरो बना रहे हैं। क्या नौजवानों का क्या होगा? ये क्रेज है। यहाँ के IAS, अच्छे-अच्छे डॉक्टर, आज डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो रही है, शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। लोग दर दर भटक रहे हैं और आप कह रहे पैकेज दो, पैकेज दो। और आपको लॉलीपॉप दे करके, गला में पट्टा बना करके और भाजपा का सिंबल दे करके आपको रथ पर घुमाया गया। ये शर्म नहीं लगा क्या? ये सोचना होगा। तो विजय सिन्हा बोले कि ऐसे जो पैकेज था वो तो मिल गया है। बिहार मिला भाई जी, मिलता तो आपका भी उद्धार हो जाता ना। जनता त्राहिमाम है, क्राइम का दर देखिए ना। दिन 10 हत्या हो रही है। ये बात को विचार करना होगा। ये वोटरों को भी सोचना होगा कि हम ऐसा वोट क्यों देते हैं जो ये तितिर बितिर सरकार बनती है। आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार बनने जा रहा है 2025। जो अपराध जो बढ़ रहा है, इस पर क्या बता रहे हैं? आपराधिक दर बढ़ रहा है, तभी तो प्रोटेस्ट में आए हैं। और आप इस पर कोई काबू नहीं पा रहे हैं। आप अधिकारियों को आप पैर छू करके माफी मांगना चाह रहे हैं कि अच्छा काम करो। पुल गिरता जा रहा है, पुल का क्या स्थिति है? गिनीज ऑफ रिकॉर्ड हो गया इस बिहार में। बड़ा शर्म लगता है। जहाँ जाइए प्रदेश में कहता है पुल गिरवा प्रदेश से आए हैं। ये क्या बात हो गई भाई? बड़ी विचार की बात है। जनता 2025 में आपको बैठा देगी और पुनः सरकार 90 के आप सब साक्षी है। खासकर मीडिया और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा साक्षी है। लोग रोज बिहार में दर्जनों निर्मम हत्या, गैंग रेप, लूट, बलात्कार, बैंक डकैती, रोड रेवरी हो रहा है। और नीतीश कुमार जी हाथ में हाथ रखे हुए हैं। साल में एक बार समीक्षा बैठक करते हैं। नतीजा क्या कि हत्याएं नहीं रुक रही हैं, बलात्कार नहीं रुक रहा है, लूट नहीं रुक रहा है। और नीतीश कुमार जी गिरमन से बने हुए हैं। हम नीतीश कुमार से आग्रह किए हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार के विकास कार्य के लिए आप अधिकारी के पैर पकड़े, क्योंकि अधिकारी आपका बात नहीं मान रहा है तो आप पैर पकड़े, तो अपराधी भी आपका बात नहीं मान रहा है। एक बार अपराधियों को पैर पकड़ के कहिए अपराधी महादेव, आप बिहार में अपराध करना बंद कर दीजिए। बिहार के लोग की जान माल की रक्षा कीजिए। नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता की रक्षा नहीं हो सकती है। एक ही सूरत में होगा कि नीतीश कुमार गृह मंत्री त्यागे और किसी नौजवान को गृह मंत्रालय दे। सम्राट चौधरी जी, लालू यादव पर आरोप लगाए थे मुकेश सहनी का जो कांड हुआ था उसमें, क्या सवाल? सम्राट चौधरी जी बोले थे कि उसमें लालू जी का हाथ हो सकता है, जो मुकेश सहनी जी का पिताजी का। सम्राट चौधरी लालू जी के हाथ बता रहा है तो अपना बाबूजी के भी हाथ बताएंगे, क्योंकि लालू जी के साथ उनके बाबूजी भी थे। लालू जी के साथ सम्राटो चौधरी थे, तो इनका बस चले तो श्री बाबू, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद, चंद्रशेखर सिंह, दरोगा बाबू, यहाँ तक इनका बस चले तो अपने अपराध का ठिकाना कर्पूरी ठाकुर को फेंक देंगे। ये बड़का चोर और झूठा आदमी है। नीतीश कुमार को कहा था ना बड़का झूठा, कौन कहा था? नरेंद्र मोदी कहा था, उसी नरेंद्र मोदी के साथ चले गए ना। तो नीतीश कुमार बड़का झूठा है, नीतीश कुमार है भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं, अपराधी के संरक्षक हैं, अधिकारी के संरक्षक हैं जो अपराध कर रहे हैं। फेडरेशन की तरफ से हम लोग आज विधानसभा मार्च के लिए काफी तेजी से और अधिक से अधिक संख्या में अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि लड़कियों को और दलित और आदिवासियों को जो जीताराम मांझी की सरकार के समय जिस तरीका से फ्री एजुकेशन के बात की गई थी, यूनिवर्सिटी चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के धरातल पर लागू नहीं किया गया है। उसके बाद नीट के परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ बोर्ड यह स्वीकार कर दिया कि नीट के परीक्षा में धांधली हुई है, उसके बावजूद भी यह सरकार चुप्पी साधी हुई है। कहीं ना कहीं यह सरकार अपने समर्थकों को बैक डोर से एडमिशन कराना चाह रही है। इस धांधली के खिलाफ और जो टेस्टिंग एजेंसियां है उसको रद्द करने के लिए नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज विधानसभा मार्च कर रही है। यहाँ पर आप मार्केटिंग लगा दिया गया, कैसे जाएगा? मार्केटिंग लगा दिया, कैसे जाएगा विधानसभा? मार्केटिंग लगा दिया गया तो कैसे जाएगा विधानसभा? इस मार्केटिंग को तोड़ने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। ताकि यह सरकार अंधी और बाहरी सरकार है और पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की आवाज़ों को दबाना चाह रही है, और इसी दबाने के लिए ताकि विद्यार्थी पढ़े नहीं और लोग जो है वो किसी तरीका से शिक्षा से वंचित करना चाह रही है सरकार। बैरियर लगाया गया है, जब जब सरकार को लगता है कि हम रोक पाएंगे तब तक पुलिसों को आगे करके तमाम छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आज यह सब ने ठान लिया है कि हम लोग रुकने वालों में से नहीं है। जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता और तमाम छात्रों नौजवानों की बातों को लेकर तब तक यह सब को आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक हमारी बातों को लेकर आगे सरकार से क्या मांगा? सरकार से क्या मांगा? सरकार से मांगा कि KG से PG तक छात्राओं के लिए और दलित समाज के छात्रों के लिए, आदिवासी समाज के छात्रों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ताकि जो ब्लॉक रेशियो लगातार लड़कियों का बढ़ते जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि दूसरी बात, फीस इतना तेजी से बढ़ा दिया जा रहा है ताकि लोग पढ़ने से वंचित रह जाए। जब लोग नहीं पढ़ेंगे, जब लोग अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे समाज में सुधार लाएंगे? इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने बेड़ा उठाया है ताकि दलित समाज के बच्चे बच्चियों और बच्चे बच्चियों को निश्चित शिक्षा दिया जा सके, ताकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से परीक्षा कराने लगातार पेपर लीक की खबर आती है। JDU को 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा इसमें पेपर लीक हुआ है। इस सरकार जिसके इशारे पर इसमें संलिप्तता के कारण इसको बचाने का काम कर रहा है। हम लोग का मांग है कि NEET UG 2024 की परीक्षा पुनः कराया जाए, NTA को बर्खास्त किया जाए, यही हमारा मांग है। सरकार हमारा राष्ट्रव्यापी आह्वान है देश भर के सभी विधानसभा को यह सब घेरेगी और सरकार को निश्चित तौर पर सुधारने का काम करेगी। सरकार तो हमेशा बोलती है हमारा मांग है आजादी के बाद समान शिक्षा प्रणाली करो, लागू करो एक साथ शिक्षा दो, राष्ट्रपति और चपरासी के संविधान सबको एक तरह का शिक्षा मिले। सरकार जो निजीकरण लगातार कर रही है, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े विद्यालय में, गरीब के बच्चे के लिए बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, पंखा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ऐसी अवस्था में समानता देश में नहीं आएगा। हमारा मांग है एक तरह की शिक्षा के लिए समान स्कूल प्रणाली लागू करें। प्रदर्शन कर रहे हैं नीति यूजी 2024 में जिस प्रकार से धांधली हुई और बिहार के तमाम परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, ये निकम्मी सरकार के राज में जितनी परीक्षाएं लीक हुई है माननीय नीतीश कुमार को डूबकर मर जाना चाहिए। हम इस अपने विधानसभा मार्च के माध्यम से डिमांड करने आए हैं बिहार के अंदर जो KG से PG मुफ्त शिक्षा कानून है, लेकिन तमाम छात्राओं से आज भी कॉलेज और स्कूल विश्वविद्यालयों में अवैध रूप से नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे हैं। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से नामांकन के नाम पर हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उनसे जवाब चाहते हैं, जब इस बिहार के अंदर यह कानून लागू है तो फिर क्यों आप किसी छात्राओं से नामांकन के नाम पर रुपये वसूल रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं बिहार के अंदर जो राइट टू एजुकेशन कानून है, राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे में 25% सीटों पर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ने का प्रावधान है, उसे बिना रुपए लिए उन्हें पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन एक भी निजी स्कूल इस नियम को नहीं मानता। पूरे बिहार के निजी स्कूलों में कहीं पर भी आरटीई के प्रावधानों का हर जगह उल्लंघन किया जाता है, कहीं पे माना नहीं जा रहा। हम इसके खिलाफ हैं और सरकार से चाहते हैं आप ऐसे तमाम स्कूलों पर कार्रवाई कीजिए और उनके रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को रद्द कीजिए, नहीं तो उनको जवाबदेही दीजिए। हर हाल में राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों का पालन करें। हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी भंग करने का मांग करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो सबसे बड़ी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से पूरे देश स्तर पर लगातार प्रश्न लीक हो रहे हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से अपने इस विधानसभा मार्च के माध्यम से 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, जो पूरे बिहार के और पूरे देश के गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है, हम उस साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं। हम नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं बिहार के अंदर समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। सभी लोगों को, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राकेश कुमार हो, चाहे वो नीतीश कुमार का बच्चा हो, सबको एक तरह का शिक्षा मिलना चाहिए। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली की भी मांग करते हैं। आगे सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे क्या कार्रवाई होगी? सरकार को तो मानना पड़ेगा। ये बिहार है, इसी बिहार की धरती पर 1974 में जो छात्र मूवमेंट हुआ था, बिहार से लेकर देश तक की सत्ता बदल गई। ये सरकार को भी मानना पड़ेगा, नहीं तो बिहार के छात्र इस सरकार को धक्के मारकर गद्दी से उतारेंगे। निकट विधानसभा का चुनाव है, सरकार को सोचना चाहिए।